हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और प्रेम गीत 3 की बात करेंगे। मुझे ये फिल्म कैसी लगी जो मैंने प्रेस्ट्रो में देखी है, तो उसके बारे में आपसे बात करने के लिए आ गई हूँ। वहां आए लोगों के रिएक्शंस क्या थे और फिल्म से जुड़े हुए लोग क्या अपडेट दे रहे थे इस फिल्म के स्क्रीन और अलग अलग जगह बुकिंग के बारे में, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं मेरी प्रीवियस स्टोरी में। अभी हम बात करने वाले हैं प्रेम गीत 3 और इसके रिव्यू के बारे में। फ्रेंड्स, ये फिल्म जब मैं देखने गई थी तो मुझे एक्टर एक्ट्रेसेस क्यूट लगे थे। बड़ी प्यारी सी लड़की है, बड़ा भोला भाला सा दिखने वाला प्रदीप खड़का है और सर्टनली पवनदीप की फिल्म है, इसलिए देखने की इच्छा थी ही मेरी। द डे आई गॉट टू नो के इसमें पवनदीप का हाथ है, सबसे इंतजार तो मैं इस फिल्म का कर रही थी और फिर देखने जाने का मौका भी मिल गया। फ्रेंड्स, जब मैं गई तो मैं गई थी गाने के लिए, जब मैं गई तो गई थी पवनदीप के लिए, और मुझे देखना था कि प्रदीप एंड क्रिस्टीना की जोड़ी कैसे लगती है। लेकिन मैं एकदम चौंक कर रह गई जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया। ऐसी फिल्म, इतनी नए पृष्ठभूमि की फिल्म है ये, इतनी ताजगी भरी फिल्म है ये कि आप फिल्म में गुम हो जाएंगे। मतलब आपको पता नहीं आप किस टाइम जोन में चले जाते हैं। पीरियड फिल्म है तो सर्टनली जैसे डायरेक्टर साहब बता भी रहे थे 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास हिमालय में घटित एक कहानी से लगभग मिलती जुलती कहानी बनाने की कोशिश की गई है। सो आप सच में उस कबीलाई संस्कृति के अंदर चले जाते हैं जहां पर कबीला एक होता है, उसके एक राजा होता है और उसके अंदर उसमें काम करने वाले उसके सहायक लोग होते हैं जो लड़ते हैं या कभी लगान लेते हैं। एक गरीब तबका है जो मेहनतकश है लेकिन लगान देने के लिए बहुत कुछ काम कर रहा होता है, और आप उसी कबीलाई संस्कृति का एक हिस्सा बन जाते हैं और आपको ये इतनी बिलीवेबल कहानी लगती है। एक्टिंग की बात करूं तो क्रिस्टीना बहुत सुंदर, एकदम डॉल जैसी लगी हैं। वो एक्चुअल में जैसे दिखती हैं, वो कैमरा पर जैसी हैं, वो रियल लाइफ में भी वैसी ही लगी हैं। एंड कैमरा पर तो डेफिनेटली बहुत सुंदर सी लगी है। मतलब कई सीन में आपको लगता है अरे ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, बुरा भी लगता है उसके कैरेक्टर ग्राफ के अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए। वहीं प्रदीप की मैं बात करती हूँ, प्रदीप मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, बातचीत में बहुत प्यारे हैं। ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन बोलूं तो आपकी नजर उन पर से हटती नहीं है, इतना भाव प्रवण उनका अभिनय रहा है, इतने सारे भाव उनके आंखों के जरिए आते हैं, उनके फेस के जरिए आते हैं। कभी बड़े प्रेम में पगलाए से प्रेम ही लगते हैं, कभी गुस्से में चिंघाड़ता एक हाथी, एक पागल हाथी की तरह लगता है, कहीं शेर की तरह धारने वाला एक योद्धा लगता है, और कहीं बहुत ही सेंसिटिव इंसान लगता है जब उसे दुख दर्द आसपास कहीं देखने का मौका पड़ता है। तो थोड़ा सा बचपन का भी पार्ट दिखाया गया है कि जब ये प्रेम और गीत छोटे थे तब क्या होता था, बड़े हो गए तब क्या होता है। एक्टिंग के मामले में ये दोनों छा जाते हैं और सर्टनली और भी कई कलाकार हैं, इसमें से एक कलाकार कटप्पा जैसा लगा मुझे और उसको देख के मैं बहुत हंस रही थी। कटप्पा जैसा ही रूप उनका नजर आया है। डायरेक्शन की मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बारीकियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संतोष है और जो लेखक है चेतन, उन्होंने भी जिस तरीके से लिखी है ये कहानी और जिस तरीके से कहानी को पिरोया गया है, बहुत असलियत नजर आती है। आई मीन कहीं कहीं ऐसा लगता है जब हीरो अपना तावीज या एक गले में जो एक स्मृति चिन्ह होता है अपने कबीले का, उसको उतार कर रख देता है और उसके नमन करता है, उसको सिर पर उसको नमस्कार करता है, वो आपको लगता है कि इज्जत भी दे रहा है अपने मातृभूमि के लिए और अपने कबीले के लिए। एट द सेम टाइम वो ये भी जता रहा है कि मुझे मेरे प्यार की ज्यादा जरूरत है, मुझे राजपाट सब छोड़ना मंजूर है। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारी संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति, नेपाल की संस्कृति बहुत कुछ सिमिलर है, लेकिन आपको वो देखने का जब मौका मिलता है, उस सिमिलैरिटी को देखने का, उस समानता को देखने का मौका मिलता है, तो आपके दिल में वो चीजें जगह बना लेती हैं। गाने की मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, पवन की फिल्म थी तो मुझे देखना ही था, ओके और कोई ना कोई नाता है सर्टनली जुबिन की आवाज में, और जब ये गाना आता है आपकी स्माइल यहाँ तक पहुंच जाती है। गाना बहुत सुंदर पिक्चराइज भी किया गया है, उसे दिखाया भी गया है, दोनों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। एंड उसके अलावा मुझे राहत फतेह अली खान का भी जो गाया हुआ गाना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये दो गाने सर्टनली आपको पसंद आते हैं, लेकिन पवनदीप का म्यूजिक इसमें मैं कहूंगी बहुत बहुत क्वालिटी है।
सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आता है, मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि वो क्वालिटी है उसमें। पता नहीं आप में से कुछ एक लोग इससे रब्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं, इससे आप रिलेट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों को अलग से म्यूजिक का सेंस भगवान एक्स्ट्रा भरकर दे देता है, तो भगवान को एक्स्ट्रा भरकर दे दिया है नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, देखने में भी मजा आ रहा था, सुनने में भी मजा आ रहा था। और फिर जब फिल्म एंड हो जाती है, मतलब मैं बोलूं सेकंड पार्ट जब शुरू होता है, तो आपको लगता है बाप रे ये क्या हो रहा है, ये आप यहाँ देखते हैं फिर आप यहाँ देखते हैं फिर यहाँ देखते हैं, आप वैसे दंग रहकर यू जस्ट ग्लू टू द स्क्रीन। और जब वो खत्म हो जाता है ऐसा लगता है अरे खत्म हो गई फिल्म, सडनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आना है, कब तक आएगा वो मुझे नहीं मालूम लेकिन आना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा बड़ी है। और फिर आते हैं पवनदीप और अरुणिता और उनका वो बैंड, मजा आ जाता है, मैं तो बैठी रही पूरा गाना जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक देखती रही। एंड यू नो द फनी पार्ट इज उसमें एक एक्टर है जो एक छोटे से बच्चे को जाते जाते एंड शॉट ये दिखाया गया है कि जाते जाते कहते हैं कि हर जिंदगी में हर युग में कोई ना कोई प्रेम और गीत आते हैं, कहानियां कुछ ऐसी है, कुछ इस तरीके से डायलॉग है। और उसके बाद पवन और अरुणिता का गाना शुरू हो जाता है, तो बस गाना शुरू हो जाता है, उसमें क्या है, मतलब मैं और क्या बोलूं बहुत सुंदर एंड किया है। आई रियली विश कि थोड़ा सा और लंबा गाना होता, आई रियली विश कि इसमें पवन अरुणिता कहीं एक्ट कर लेते, बड़ा मजा आ जाता, बट मन लालची है, लेट द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स डू देयर वर्क, बट मेरा मन लालची है। सो मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि प्रेम गीत नेक्स्ट जब बनेगी तो उसमें पवनदीप का काम और बढ़ा दिया जाना चाहिए, उसको ना ऐसे म्यूजिक से लाद देना चाहिए कि चलो ये वाला गाना कर लो, वो वाला गाना कर लो, वो वाला गाना कर लो, इसको खूब सारा काम कराना चाहिए क्योंकि उसमें वो टैलेंट है। भाई अरुणिता की आवाज में इतने वेरिएशन आते हैं, एक जो एंड में गाना आता है पवन अरुणिता का जो प्राइज वर्जन है, आप उसमें एकदम से समझ में आ जाते हैं कि उफ ये लड़की को हाई पिच भी उतना ही समझता है, लो पिच भी उतना ही समझता है, येट द मेलोडी इज नॉट मिसिंग इन एनी पिच, मजेदार है, दमदार है, बहुत सुंदर लगी है मुझको। अब इस फिल्म की अगर मैं थोड़ा सा मुझे कहीं कुछ लगा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसका हिंदी रूपांतरण किया गया, हालांकि वर्ड्स बड़े सुंदर सुंदर से लिए गए हैं, बड़े क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं एक दो डायलॉग्स मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रेडिक्टेबल थे, काश कि वो एक दो जगह प्रेडिक्टेबल डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन वो इतनी ये जो माइनस मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो इतना नगण्य है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है और आमतौर पे मैं नंबर्स नहीं देती हूँ, लेकिन इसको फिर भी 4.5 नंबर देना चाहूंगी, 4.5 स्टार्स देना चाहूंगी। ये फिल्म बहुत अच्छी है, पवनदीप की तो इसे तो आपको देखनी है, लेकिन साथ ही में जो फिल्म में काम किया गया है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत नया आयाम लेकर आए हैं, और भारत और नेपाल का ये जो कोलैबोरेशन है, आई थिंक इसके लिए भी इस फिल्म को देखने की कोशिश कीजिएगा, आप निराश तो नहीं होने वाले हैं, यू विल बी स्माइलिंग एंड बीइंग हैप्पी आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। एंड यू नेवर नो अगली बार फिर चले जाएं, क्योंकि मैंने मेरे घर वालों पे बोल दिया है कि चलो एक बार फिर से देख कर आते हैं चलिए दिस इज माय रिव्यू ऑल अबाउट। आप अगर देख चुके हैं तो अपना रिएक्शन जरूर लिखकर भेजिएगा, और अगर आपने नहीं देखी है जाइए, क्या कर रहे हैं आप भी जाइए। जय हिंद।